हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद आगम सिंह। दोस्तों, आज हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि वो होते क्या हैं और उनके क्या क्लासिफिकेशन है और किस बेसिस पे होते हैं, उनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज करते हैं जब उनको तोड़ा जाता है। अब तोड़ने के लिए हाइड्रोलाइसिस पानी का यूज़ किया जाता है रिएक्शंस के अंदर, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ब्रेकडाउन। सो एक जनरल डेफिनेशन जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स के लिए दी जाती है वो ये है कि एनी कंपाउंड विच रिलीज मोर देन 25 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी, अगर मोर देन 25 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज बाय एनी कंपाउंड देन इट इज अ एनर्जी रिच कंपाउंड। अदरवाइज इफ इट कंटेन इट रिलीज 25 लेस देन 25 किलो जूल पर मोल देन इट इज नॉट अ एनर्जी रिच कंपाउंड, इट इज अ लेस एनर्जी रिच एनर्जी कंपाउंड। सो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ आई होगी कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या हैं जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। अब एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जरूर होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप इन देम। फॉस्फेट ग्रुप हर एनर्जी कंपाउंड्स के अंदर मिलेगा क्योंकि वो एक हाई एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। उसके बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जो है एसिटाइल को एंजाइम ए। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फॉस्फेट बॉन्ड नहीं होते, इसमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। ये इकलौता एक्सेप्शन है। सो इसको अलग से काउंट किया जाता है, मतलब है तो वही एनर्जी हाई एनर्जी कंपाउंड बट इसके अंदर फॉस्फेट की जगह सल्फर बॉन्ड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी रिच कंपाउंड डेफिनेशन। बट नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। हाउ एनर्जी रिच कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड, उनको कैसे क्लासिफाई किया जाए। एनर्जी रिच कंपाउंड को सिर्फ एक सिंपल से बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे कि उनके बॉन्ड्स किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं हम, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है। मीन्स दैट एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैम। अलग अलग तरह के जितने भी बॉन्ड उनमें अलग अलग में प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज दैट द फर्स्ट वन इज पायरो फॉस्फेट। उसका एग्जांपल है एडीपी, पायरो फॉस्फेट का एग्जांपल है एडीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द सेकेंड वन इज द एसाइल फॉस्फेट, जिसका एग्जाम्पल है 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लाइसरेट, जिसको हम आगे जाके ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं आफ्टर द क्लासिफिकेशन। जो थर्ड वन है उसका नाम है इनोवल फॉस्फेट, इसका एग्जांपल है फॉस्फो फिनॉल पाइरोवेट, जिसको हम शॉर्ट में पीईपी भी कहते हैं। जो पीईपी हम पढ़ते थे प्लांट के साइकिल्स में, वो पीईपी है, फॉस्फो फिनॉल पाइरोवेट ही है। सो द फोर्थ वन इज द थायो सल्फेट, जिसका एग्जांपल है जो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था द कोएंजाइम के, इसका पूरा नाम है एसिटाइल कोएंजाइम के, इसका एग्जांपल है थायोसल्फेट का। और जो फिफ्थ वन है उसका नाम है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ
phosphogens. Phosphogens, जिसका example है phosphocreatine, जिसका example phosphocreatine है. इसके बारे में ये है 1,3-bisphosphoglycerate, इसके बारे में इस वीडियो में ब्रीफ में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपनी हीलिंग के बारे में डिटेल में. वो एक दूसरा वीडियो है उसके, अगर आपको इसको भी पढ़ना है फॉस्फोनोलपाइरेवेट, तो आप लिंक को चेक करिए डिस्क्रिप्शन में फॉर पीईपी, फॉर व्हाट इज पीईपी एंड ऑल द थिंग्स अबाउट पीईपी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन 1,3-bisphosphoglycerate. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारे हम जो पढ़ने वाले हैं अभी वो ये है. तो 1,3-bisphosphoglycerate अगर होता क्या है, होता कुछ नहीं है, 3-carbon ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक 3-carbon रखने वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंपल सी लैंग्वेज में. ये काफ़ी सारी ह्यूमन के रिएक्शंस में लिविंग और काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और काफ़ी सारी रिएक्शंस में पार्ट लेता है. कैसे लेता है, क्यों लेता है, ये जानेंगे आगे. लेकिन फर्स्टली हम ये जान लें कि अगर ये होता क्या है. तो ये 3-carbon बेसिकली 3-carbon ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका IUPAC नेम, जो IUPAC नेम है इसका, बहुत थोड़ा सा लगता है ऐसा कि कोई अजीब सा नाम है, तो उसको हम थोड़ा सिंपल बनाते हैं. सबसे पहले जो वर्ड है इसका, जो 2-hydroxy-3-phosphoxate मीन्स दैट जो नेम है वो बहुत लंबा है, तो उसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे. तो वो जो पार्ट्स हैं जो तोड़ रहे हैं, पहला तो है 2-hydroxy, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. IUPAC नेम को याद करने का तरीका ये है कि उसको 3 टुकड़ों में तोड़ दो. तो ये 2-hydroxy-3-phosphoxy, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट 3-phosphoxy, जो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है फॉस्फोनोऑक्सी. और जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा बोलने में लगेगा, लेकिन उसका नाम है फॉस्फोनोलॉक्सी. तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि अब ये जो पूरा नाम है ये इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ये पूरा एक IUPAC नेम है. तो उसको हमने तोड़ा है 2-hydroxy-3-phosphoxy नेम के बारे में, इसका IUPAC नेम क्या है. सो IUPAC नेम इज 2-hydroxy. हम इस IUPAC नेम को याद करने के लिए एक ट्रिक आजमाएंगे जिसमें हम IUPAC नेम को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं. जब जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 2-hydroxy, जो सेकंड पार्ट है वो है 3-phosphonooxy. This is the second part. Make it an interesting asset. The phospho, अब नहीं और नहीं, no oxy, याद करने का तरीका ये याद है, no phospho no oxy. और जो third part है वो ये है phospho no loxy
फॉस्फोनोलॉक्सी, फॉस्फो पहले तो ऑक्सी नहीं लिया उसने, अब नो लॉक्सी, लॉक्सी नहीं लेना है, पहले ऑक्सी नहीं लेना था अब लॉक्सी नहीं लेना है, इन वर्ड्स को याद रखना है, लॉक्सी और पहले ऑक्सी था, इन दो को नहीं लेना, तो याद करने का तरीका ये हुआ, टू हाइड्रोक्सी थ्री फॉस्फोनोलॉक्सी, नो लॉक्सी, नो ऑक्सी सॉरी, और इसमें थ्री फॉस्फो नो लॉक्सी। सो यूपीएससी में बहुत सिंपल है, इसको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ी। अब बात करते हैं इसके केमिकल फॉर्मूला के बारे में, कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो केमिकल फॉर्मूला है सी एफ से, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, सी एफ से जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर तीन कार्बन कार्बन होते हैं, तो कार्बन क्या करने वाला, थ्री हाइड्रोजन कितने होते हैं, आठ, याद कर लो थोड़ा सा, आठ, ऑक्सीजन कितने होते हैं, दस, फॉस्फोरस कितने होते हैं, दो। तो ये इसका बन गया केमिकल फॉर्मूला, बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपको याद है कार्बन थ्री है तब अपने आप चेन दिमाग में बन जाएंगे। अब इसका जो मोलर मास होता है वो भी पढ़ लेते हैं, मोलर मास, इस कंपाउंड का मास भी तो होगा आपके, सही बात है, मास तो होना चाहिए, तो टू जो मोलर मास है वो है 266 लव 266.03 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया, ठीक है। ये तो सी थ्री इसकी जो प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या मोलर मास है। अब जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसको हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड तोड़ते हैं, कैसे एनर्जी रिलीज होती है, ये मैकेनिज्म भी तो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं इसे बहुत आसान तरीके में, बहुत ही आसान तरीके में, सो ऑल्सो इट्स अ बिग डायग्राम बट इट्स वेरी इजी, बहुत आसान रहेगा आपके लिए, तो बनाना बहुत ईजी है। पहले क्या करें, एक कार्बन बनाया, मतलब एक भाई बनाया, दूसरा भाई बनाया, तीसरा भाई कार्बन को भाई बोलो, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, तीन भाई साथ साथ जुड़े हुए, बिल्कुल सीरीज में एकता रखनी है। देखिए अब एक भाई को बेचारे को कोई कोई नहीं मिला, अकेला है बेचारा, दूसरी बार दूसरे को सी एच ओ मिल गया, सी एच ओ मतलब एच ओ एच मिल गया, तो सी एच ओ बन गया वो, तीसरे कार्बन को मिला सी एच टू, दूसरे को मिलकर बेचारा तो अकेला रह गया, उसने बोला यार अकेला तो रहूंगा नहीं, तो मुझे भी कुछ चाहिए, तो उसने एक ऑक्सीजन जोड़ा, नहीं यार एक से मन नहीं भर रहा है, दूसरा जोड़ो, उसने दूसरा जोड़ दिया, मतलब दो दो उसने ऑक्सीजन ले लिए, इनको दिखाया देख मेरे पास तो दो दो ऑक्सीजन है, तुम्हारे पास क्या है, एक। फिर उसने क्या किया, नीचे वाले में फिर जलने के बाद नीचे वाले ने भी बोला कि तू देख मैं भी ऑक्सीजन जोड़ लेता, तो उसने भी जोड़ लिया। अब क्या हुआ, ऊपर वाले ने फिर लड़ाई करी कि यार मेरे पास तो सिर्फ ऑक्सीजन है, तो उसने फिर एक ऑक्सीजन में फॉस्फोरस भी जोड़ लिया। अब नीचे वाले ऑक्सीजन को फिर गुस्सा आया, इसके नीचे वाले कार्बन को, मेरे पास कुछ नहीं है, उसने भी फॉस्फोरस जोड़ लिया नीचे। अब मामला बराबरी का चल रहा है, अब क्या करें, दोनों एक दूसरे से जलने लगे, दोनों ने ले, दोनों ने क्या करा, ले तू ले ये ऑक्सीजन ले, इसने भी बोला मैं भी ऑक्सीजन लूंगा, ले कर ले तू कुछ। फिर क्या, फिर दोनों ने ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपने ऊपर जोड़ लिए, पर दोनों नेगेटिव नेगेटिव थे, ये ऑक्सीजन किसने जोड़ा, फास्फोरस ने जोड़ लिया। सो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का ये स्ट्रक्चर है, जो कि हमने बहुत मजे मजे में सीखा है। अगर आपको दोबारा समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। अब होता क्या है, टूटते कैसे हैं, इनके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, पानी डाल दो टूट जाएंगे, पानी डालने से मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस करा दें, जो जोड़ियां बनी हुई है ना पानी डालने से टूट जाएगी, तो तोड़ दो, सिंपल सा काम है, ताकि एनर्जी, अब गुस्सा आएगा तो एनर्जी होती है ना गुस्सा, तो गुस्सा निकल रहा है, अभी गुस्सा निकालेंगे ऐसे। एक इनने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या हुआ कि ये ऊपर का जो कमजोर था बेचारा, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया उसके पास, एक बेकार आदमी आ गया, ओ जो नेगेटिव था, नीचे वाला लड़ाकू था,
दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर लिया, दोनों लड़ रहे हैं, अब एक ना एक अब लड़ाई होती है तो एक ना एक तो मरते ही है ना, अभी मर जाएगा बेचारा, ये यहाँ से कट जाएगा इसके अंदर। अभी एक चीज़ बताना बोल रहे हैं आपको कि ये जो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड है ना, ये काफ़ी इस तरह का बॉन्ड होता है। ये सिंबल किस चीज़ का पहले नहीं बताया, ये जो सिंबल है ना इसको बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड का सिंबल, ये हायर एनर्जी बॉन्ड का सिंबल है। और जो सिंपल जो ये होता है ये नॉर्मल बॉन्ड होती है जो कि हमने सब में बनाई है, लेकिन यहाँ पर जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होगी और बाकी सब नॉर्मल होगी। तो ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड टूटेगी उसी से तो एनर्जी निकलती है मेन, उसी से तो लड़ाई झगड़े की जड़ है। सो ये जब टूटा तो क्या होगा, सेम ऐसा कैसे स्ट्रक्चर है सी जैसे मैं देख सकता हूँ, एक भाई जुड़ा यहाँ पास में है, एक भाई दूसरा भाई तीसरा भाई, एक बेचारा वापस अकेला सी एच ओ एच यहाँ पे सी एच टू, फिर उसने भी उसको भी गुस्सा आ गया, ले ऑक्सीजन ले ले, और यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ पे इसने हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोलाइसिस हुआ ना बेचारे को, ये चेन टूटी थी ले हटा दिया उसको काट के मार दिया, अब उसकी वजह उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया, एक नया दोस्त आ गया इस पूरी चेन का नया दोस्त। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस को जोड़ा, सेम एज इट इज, ऑक्सीजन के बाद फॉस्फोरस ने ऑक्सीजन को और एक और ऑक्सीजन जो उनके पास नेगेटिव साइड चार्जेस थे उनको जोड़ लिया, सेम स्ट्रक्चर बना, डिफरेंस इतना आया यहाँ पर, ये चेन लग गई, ये चेन का जो जॉइंट था यहाँ पर आकर हाइड्रोजन जुड़ गया, फिर हाइड्रोलाइसिस हो गया था यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, इसने बोला है ये हाइड्रोजन ठीक नहीं जम रहे हैं, अब इसका जो मेन कॉज यही है ये एसिड है सी ओ ओ एच, अब एसिड की प्रॉपर्टी होती है मतलब इस भाई की प्रॉपर्टी है कि ये डोनेट करेगा करेगा कुछ ना कुछ तो देगा, तो इसने क्या करा हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो क्या बना एक निकालने के बाद उसने क्या करा हाइड्रोजन को बाहर निकाला और एक नया स्ट्रक्चर बना लिया जो इस तरह का दिखता है वापस, बाई 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 तीन बाई एक साथ सी एच ओ एच सी एच टू, यहाँ पर उसने ऑक्सीजन जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, अब वो हाइड्रोजन को दे चुका, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को घूमते रहते हैं, एक दूसरे को शेयर करते रहते जो भी आता है, जो भी आता है एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते और रेजोनेटिंग स्टेबल हो जाते हैं। टॉक अबाउट द स्टडीज दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं वो, अब वो इतने स्टेबल हैं कि अब उनको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये स्ट्रक्चर बनता है, आई एम कंप्लीटिंग इट, ये स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं थ्री फॉस्फो ग्लाइसेरिक एसिड, और ये होगा थ्री फॉस्फो ग्लाइसेरेट, ये दो कंपाउंड बनेगा, जो मेन कंपाउंड वो ये है थ्री फॉस्फो ग्लाइसेरेट, थ्री फॉस्फो ग्लाइसेरेट ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो है मेन प्रोडक्ट इसका बनता है। अब हुआ क्या इस पूरे रिएक्शन में, अगर ये जितने भी बॉन्ड टूटे हैं जुड़े हैं इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगी एनर्जी, जो कि होगी कितनी एनर्जी होगी, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपके लिए एनर्जी, जो एनर्जी होगी -49.03 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। नेगेटिव साइन इसलिए बनाया मैंने क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ना कि कंज्यूम हो रही है, तो इनके बॉन्ड के टूटने की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसलिए इनको हाई एनर्जी कंपाउंड्स बोला जाता है 1,3-bisphosphoglycerate। अब ये थी उसकी मैकेनिज्म की बात, अब बात कर लेते हैं कि आखिर यूजेस क्या हैं इसके, यूजेस भी तो हमको पता होना चाहिए कि हमको रिएक्शन तो मालूम है भाई, अब काम में तो लेना है हमको, किस चीज़ को काम में लोगे आप, तो इसके यूजेस जानना है, इसके क्या यूजेस हैं। सो uses the first one uses in the process of glycolysis, glycolysis में use होता है, glycolysis क्या है भाई कौन सी आ गई, हम तो बोल बोल आ गए सब,
ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है, जैसे वो अपना खाना बनाते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं ना उसका एक पार्ट है ग्लाइकोलाइसिस। पर हम सिर्फ इतना डीप में नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ इतना जानेंगे कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का यहाँ क्या फंक्शन है। ग्लाइसरेट क्या करता है? वो करता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम, वो क्या करता है एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, एज ए इंटरमीडिएट यूज होता है। तो क्या है रिएक्शन इस तरह की है, एटीपी एक एटीपी है और यहाँ पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को मैंने शॉर्ट में लिखा है बीपीजी। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा। ये साइन किसका है आपको पता है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का साइन। मतलब रिएक्शन वो आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है। तो 1,3 बीपीजी से क्या बनेगा, एटीपी प्लस 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये बना। अब क्या हुआ, जब भी जरूरत पड़ेगी तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और एडीपी कन्वर्ट हो सकता है एटीपी में। सो ये जो 1,3 बीपीजी है यहाँ इस तरह से इंटरमीडिएट के रूप में काम आ रहा है। सो ये थी बात ग्लाइकोलाइसिस की। सेकंड साइकिल है द कैलिन साइकिल। सेकंड साइकिल है कैलिन साइकिल। अब कैलिन साइकिल में क्या होता है, केल्विन साइकिल में भी सेम चीज होगी, एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा। इसका जो काम है, इसके काम की बात कर रहा हूँ कि इसका जो काम है सेम काम यही करेगा, लेकिन एक दुविधा होगी यहाँ पर। ये दुविधा ये है कि यहाँ पर है ना कि एटीपी को खत्म कर लेता है, मतलब कंज्यूम कर जाता है, खा लेता है उस एटीपी को। तो इसके कंजम्पशन की वजह से क्या होता है कि वह एनर्जी तो बची नहीं, तो रिएक्शन पीछे नहीं आ पाती, एक ही डायरेक्शन में चलती है। ये एक ही डायरेक्शन में चलती है रिएक्शन, बैकवर्ड नहीं आ सकती। यही डिफरेंस है केल्विन साइकिल के अंदर यूज का और ग्लाइकोलाइसिस का। दोनों का यूजर सेम है, दोनों का काम सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है बैकवर्ड नहीं आ सकते। थर्ड वन इज ऑक्सीजन ट्रांसफर। ये क्या काम आता है ऑक्सीजन ट्रांसफर में, ऑक्सीजन ट्रांसफर। अभी 1,3 बीपीजी के जब भी ब्लड में ह्यूमन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है ऑक्सीजन का कंटेंट कम होने लगता है ब्लड में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा कम ली जाती है। अब कम कैरियर होगा हीमोग्लोबिन कम, जैसे हम जानते हैं सब कि हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को एक पूरी बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो गिरा देता है नीचे, उसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंटेंट कम हो जाती है। अब उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, अपने आप को 2,3 बीपीजी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक रिएक्शन कुछ भी कराता है ऐसे अंदर, जैसे 1,3 बीपीजी कन्वर्ट हो जाता है, ये भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ये इसमें हो सकता है 2,3 बीपीजी, 2,3 बीपीजी के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अभी 2,3 बीपीजी क्या करता है, मेंटेन करता है ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर, उसको बैलेंस में रखता है। इसका काम ये है कि बॉडी को कि अंदर जो ऑक्सीजन की जो जरूरत है उसको बनाए रखें। तो ये थी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बारे में एक लेक्चर छोटा सा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था कि पी जैसे मैंने पहले बताया था फॉस्फिनॉल पाइरवेट पीईपी के बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको उस टॉपिक की भी ज़रूरत हो। और आई होप आपको ये ट्रिक्स और मेथड समझ आया, पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आपका प्रॉब्लम और सेंड कर दीजिए मुझे। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर ये रुलाना है।